व्यूअर अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत होंगे। वेलकम बैक एक नई वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगी नेक्स्टन केस लाइटनिंग सनब्लॉक का। ये मैंने उनकी वेबसाइट से मंगाया था, अराउंड 150 का था। डिलीवरी चार्जेस मिला के ये 300 का हो गया था शायद, और ये 30 ml है। जब भी आप कोई प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम बाय करते हो तो मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि आप छोटा साइज़ लिया करें। अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लग जाए, सूट कर जाए, तो फिर आप उसका बड़ा साइज़ मंगा लें, लेकिन एकदम से कभी भी बड़ा साइज़ ना लिया करें, वरना हो सकता है कि वो प्रोडक्ट आपका वेस्ट हो जाए। तो अगर ऑप्शन है, छोटा प्रोडक्ट अवेलेबल है, छोटे साइज़ में अवेलेबल है, तो आप पहले छोटा साइज़ ले लिया करें। मैंने जो है यूज़ करने के लिए, चेक करने के लिए इनका छोटा साइज़ मंगाया था। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि ये सनब्लॉक आपको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अच्छा है बुरा है, या किसके लिए अच्छा है किसके लिए बुरा है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। लेकिन वीडियो को जो है लाइक करना मत भूलिएगा अगर वीडियो पसंद आए, और कोई पार्ट स्किप नहीं करेगा, क्योंकि एक एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, फेस के ऊपर अप्लाई करके भी दिखाऊंगी कि भाई कैसा है, ऑयली है, ग्रीसी है, या वाइट कास्ट है या नहीं है, हर चीज़ मैं आपको बताऊंगी। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते हैं, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ और फेस पे अप्लाई करके दिखाती हूँ कि ग्रीसी है नहीं है, वाइट कास्ट है नहीं है, सब कुछ बताऊँगी। इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके से है, छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी पैकेजिंग है। आप ये जो है बैग में भी कैरी कर सकते हो ट्रैवल वगैरह में। साथ में इसके अंदर SPF 50 है, इस पर लिखा हुआ है कि ये ऑयल फ्री है, नॉन ग्रीसी है, है नहीं है वो वीडियो के बाद में हम बात करेंगे, बट इसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि UVA UVB दोनों से प्रोटेक्शन देता है। साथ में अगर आप इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट रीड करें तो इसमें जो है मिनरल फिल्टर भी है और इसके अंदर केमिकल फिल्टर भी है। इट मींस ना तो ये सनब्लॉक मिनरल है ना ही ये केमिकल है, इट्स अ हाइब्रिड सनब्लॉक, मतलब इसके अंदर दोनों फिल्टर्स मौजूद हैं। इसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड भी है, जिंक भी है, और बाकी केमिकल फिल्टर्स भी हैं। इसको आप ओपन करोगे तो अंदर से कुछ इस तरीके का है, और जब आप इसको हाथों पे फिंगर्स पे निकालते हो तो इसकी कंसिस्टेंसी ना लिक्विडी है ना बहुत थिक क्रीमी है, मतलब एवरेज है। अच्छा, मैंने जब रिवाज यूके के सनब्लॉक का रिव्यू शेयर किया था, उसकी वीडियो अपलोड की थी, तो उस पर मुझे इतने कमेंट्स आए थे कि आपने इतना भर भर के सनब्लॉक लगाया है तभी आपका फेस ऑयली हो गया, ग्रीसी हो गया, सनब्लॉक तो बिल्कुल ज़रा सा लगाते हैं। तो कभी भी सनब्लॉक ज़रा सा नहीं लगाते, उससे सन प्रोटेक्शन नहीं मिलती। हमेशा सनब्लॉक को या तो 1 teaspoon के अंदर निकाल के लगाएं फेस पे और नेक पे, या फिर इस तरीके से 2 fingers के ऊपर निकाल के फेस पे लगाएं, तभी सन प्रोटेक्शन मिलती है। बाकी मैं आपको आगे इसकी डिटेल्स बताती हूँ कि क्यों सनब्लॉक जो है इस तरीके से लगाना चाहिए। एनीवेज, जब मैंने इसको निकाला तो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की थी। मैंने हाथों पे भी लगाया, मैंने फेस के ऊपर भी इसको लगाया। फेस पे लगाने के बाद जब मैंने इसको ब्लेंड किया तो बहुत इजीली ब्लेंड हो रहा था, मतलब जैसे कि रिवाज के सनब्लॉक जो मैं यूज़ करी थी वो इजीली ब्लेंड नहीं हो रहे थे, ये बहुत आराम से बहुत स्मूथली ब्लेंड हो गया। आंखों के ऊपर भी मैंने लगाया, आंखों के नीचे भी लगाया, कोई बर्निंग वगैरह मुझे नहीं हो रही थी। लाइक बहुत सारे सनब्लॉक्स ऐसे होते हैं जो मुझे आंखों के ऊपर मैं लगाऊं या आंखों के नीचे तो जलन सी महसूस होने लगती है, इससे मुझे ऐसा कोई भी इशू नहीं हुआ। अच्छे से ब्लेंड हो गया और फ़ौरन से स्किन के अंदर एब्जॉर्ब भी हो गया, मतलब ना ऑयली ना ग्रीसीनेस, और आप देख सकते हैं कि वाइट कास्ट भी बिल्कुल भी नहीं है, मतलब जस्ट हल्का सा टिंट है, मतलब लग नहीं रहा कि आपने सनब्लॉक लगाया हुआ है, वाइट कास्ट ना होने के बराबर है। ठीक है, तो अगर आप बात करें कि भाई ये नॉन ग्रीसी है, इसमें वाइट कास्ट भी नहीं है, तो ये सच है, इसमें नॉन ग्रीसी तो ये है बिल्कुल भी, मुझे ग्रीसीनेस फील नहीं हुई, ऑयलीनेस फील नहीं हुई, बिल्कुल लगा के जो है ये स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया, और इसमें वाइट कास्ट भी बिल्कुल भी नहीं है। अब हम इसकी बाकी के डिटेल्स आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, मुझे काफ़ी लड़कियों के मैसेजेस और कमेंट्स आए थे कि आप ही ये सनब्लॉक बहुत स्किन को ऑयली कर देता है, ग्रीसी कर देता है। मैंने इसको यूज़ किया आपके सामने, मैंने लाइव यूज़ किया और स्किन को मैंने थोड़ी देर लगा के फिर छोड़ भी दिया था, मुझे ऐसा कोई इशू नहीं आया। हालाँकि हम मेरी स्किन एक्सट्रीम ऑयली है, मतलब बहुत ख़तरनाक वाली मेरी स्किन ऑयली है, बट मुझे ना फेस के ऊपर इसको लगाने के बाद ऑयल आया और ना ही मुझे जो है ग्रीसीनेस फील हुई, बल्कि अंदर से ये बिल्कुल ईजिली ब्लेंड हो गया था। और आपने खुद देखा है कि मैंने कितनी भर भर की क्वांटिटी लगाई है, इसकी फिनिशिंग बिल्कुल मैट है। बात करें कि मैंने भर भर के क्वांटिटी क्यों लगाई है, 2 fingers के ऊपर निकाल के क्यों लगाया, तो आप किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछ लें, कोई भी ब्लॉग रीड कर लें, गूगल कर लें। सनब्लॉक की प्रोटेक्शन आपको तभी मिलती है जब आप उसको सही क्वांटिटी में लगाते हो। और आपके कमेंट्स और मैसेजेस पढ़ के मुझे आइडिया हुआ कि आपको पता ही नहीं है कि सनब्लॉक लगाने का सही तरीका क्या है, और यही वजह है कि रिवाज का सनब्लॉक या दूसरे सनब्लॉक जो मैं रिकमेंड नहीं कर रही या जो उसकी चीज़ अच्छी नहीं है, फिर भी वो आपको सूट कर रहा है। मे बी इसलिए कि आप जब इतनी सी क्वांटिटी लगा हो
तो उससे तो फिर आपको ना ग्रीसीनेस होगी ना ऑयलीनेस होगी, वो तो फिर ना होने के बराबर ही एक चीज़ है। तो सनब्लॉक हमेशा हमेशा दो फिंगर्स पे निकाल के लगाया जाता है या फिर 1 टीस्पून के बराबर फेस पे और नेक पे, तभी जाके आपको सन प्रोटेक्शन मिलती है। मेरी बात पे आपको यकीन नहीं है तो आप गूगल कर लें, आपको खुद पता चल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके रिव्यू के बारे में। देखिए इसके इंग्रेडिएंट्स लिस्ट में लिखा हुआ है इसके अंदर जिंक ऑक्साइड भी है, इसके अंदर टाइटेनियम डाइऑक्साइड भी है। ये दोनों इंग्रेडिएंट्स मिनरल सनस्क्रीन के अंदर होते हैं। आपको मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोज़ में बताया है कि मिनरल सनस्क्रीन की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि वो सफ़ेद को, फेस को वाइट कर देता है अगर उसके अंदर जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड दोनों है। ये सनब्लॉक जब मैंने लगाया तो आपने खुद देखा कि इसने वाइट कास्ट मुझे बिल्कुल भी नहीं दी। इट मींस कि इसके अंदर मिनरल फिल्टर यानी कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड दोनों ही ना होने के बराबर हैं। मतलब ऑलमोस्ट ये केमिकल सनब्लॉक ही है। मिनरल फिल्टर इसमें लिखा हुआ है कि इसमें जिंक और टाइटेनियम है बट ना होने के बराबर है, क्योंकि इसने मेरे फेस को वाइट किया ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये सनब्लॉक अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, जैसे कि मैं हमेशा सेंसिटिव जिनकी स्किन है उनको मिनरल सनस्क्रीन ही रिकमेंड करती हूँ, या अगर आपके फेस पे झाइयाँ हैं या आपके फेस के ऊपर एक्नी है, एक्टिव एक्नी, या आपके फेस के ऊपर जो है आपकी स्किन एक्नी प्रोन है, तो मैं आपको रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगी। आप हमेशा मिनरल सनस्क्रीन बाई किया करो अगर आपको इस तरीके का कोई इशू है। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, ड्राई है, तो आप ये ले सकते हो, या इवन ऑयली है तो भी ले सकते हो, बुरा नहीं है। मतलब रिवाज के सनब्लॉक से तो मुझे काफ़ी बेहतर ही लगा एटलीस्ट, बट बहुत ज़्यादा बेस्ट भी नहीं है। मतलब अगर आप लेना चाहते हैं, क्योंकि ये अफोर्डेबल है और आजकल मतलब जो अभी महंगाई है हर कोई अफोर्डेबल चीज़ें ही देखता है, और यही वजह है कि मैं आपको ये रिकमेंड कर रही हूँ कि अगर आप कोई बहुत अफोर्डेबल लेना चाहते हो तो ये ले लो, या अगर आप कोई अच्छा लेना चाहते हो तो यूवेल का ले लो थोड़े से और उसमें 200-300 मिला के। बट ये वाला रिवाज के सनब्लॉक से काफ़ी बेटर है, इसका टेक्स्चर, इसकी कंसिस्टेंसी वगैरह। बट अगर स्किन सेंसिटिव है, एक्नी प्रोन है, एक्नी है, हाइपर पिगमेंटेशन वगैरह है, तो मैं इसको बिल्कुल भी रिकमेंड कर नहीं करूँगी, क्योंकि मिनरल सनस्क्रीन उसके लिए बेस्ट है। बात रही स्वाइटिंग की, तो मैंने इसको लगा के थोड़ी देर छोड़ा भी तो मुझे स्वाइटिंग हुई, जो कि सच है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हुई। जो कि मैं यूवेल का सनब्लॉक जब लगाती हूँ तो उसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा स्वाइटिंग होती है, या मैंने रिवाज का सनब्लॉक लगाया तो उससे मुझे काफ़ी स्वाइटिंग हुई, इससे मुझे नहीं हुई, हालांकि मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लगाया था। तो सनब्लॉक अच्छा है, बुरा नहीं है, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बट अगर आप और अच्छे ऑप्शन चाह रहे हैं तो और अच्छे ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई, आपको थंबनेल भी नज़र आ रहा है कि मैंने कौन से अपने फेवरेट सनब्लॉक्स शेयर किए हैं। इसके लिए आप लोग पूछ बहुत रहे थे, तो मैंने खास खरीद के आपके साथ रिव्यू शेयर किया है। तो ये थी सारी डिटेल्स, मैंने हर चीज़ आपके साथ जो है बता दी है। मेक श्योर कि सनब्लॉक अगर आप इस्तेमाल करती हैं तो रात में जो है डबल क्लेंजिंग करके ज़रूर सोया करें, ताकि आपके पोर्स क्लॉग ना हो और बाद में आपको एक्नी ना हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे प्यास लग रही है, मेरा हलक सूख रहा है, तो दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। काफ़ी सारी वीडियोस मैंने आप लोगों के लिए फिल्म करके रखी हैं, जो आपको इंशाल्लाह देखने को मिलती रहेंगी। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।